लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेशों में फंसे लोगों के आने जाने की अनुमति दे दी गई है। इनमें प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल हैं। ये अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने घरों में सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में बसों में लोगों को ले जाने या ट्रेन चलाने की जो इजाजत दी गई है वो फंसे हुए लोगों के लिए है। ये अनुमति उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन से पहले अपने स्थान से चल चुके थे, लेकिन पाबंदी के लगते ही वे अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे लोग अब राज्यों के दिशा निर्देश में अपने घर तक जा सकेंगे। नई गाइडलाइंस में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर निकल पड़े थे, लेकिन बॉर्डर पार करते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया है। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, ये जो गाइडलाइंस में नई गाइडलाइंस आई है, अब जो लोग फंस गए हैं बाहर उनको वापस ले जाने को लेकर, तो इसमें कहा गया है कि जो लोग लॉकडाउन से पहले अपने घर से निकले थे और कहीं फंस गए हैं उन्हीं को लेके जाया जाएगा। तो जो प्रवासी मजदूरों का, वो लोग जो अपने घर से कहीं और काम करने गए हैं, वहाँ पर रहकर महीनों से काम कर रहे हैं, क्या ये गाइडलाइंस उन लोग को कवर नहीं करती है? जी बिल्कुल आकांक्षा, आपने सही समझा है, क्योंकि जो दूसरी एडवाइजरी जारी की गई है मेटे की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मजदूर काम के सिलसिले में गया है, कुछ दिन पहले गया है, कुछ महीना पहले गया है और वो फंस गया है, सिर्फ उसी को सरकार लाएगी और उसी को जाने की इजाजत होगी। अगर कोई सालों से या दशकों से यहाँ काम कर रहा है मजदूर, वो नहीं जाएगा, वो उससे मजदूर की श्रेणी में, यानी कि प्रवासी मजदूर के श्रेणी में उससे फिलहाल नहीं रखा जाएगा और उसको इस जो एडवाइजरी है उसके तहत इसका फायदा नहीं मिलेगा कि वो बस या ट्रेन से जा सके। तो कहीं ना कहीं उन मजदूरों के लिए यह झटका के तौर पर देखा जा सकता है जो यह उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी तरह से वो अपने घर पहुंच जाएंगे। जी गोपाल, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सीपीआई नेता अमरजीत कौर भी जुड़ गई हैं। अमरजीत जी, ये जो नई गाइडलाइंस आई है, जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? मैं इसको कहूंगी कि ये डिक्टेटरशिप वाला फरमान है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये बॉन्डेड लेबर एक्ट जैसा लादने वाला एक फरमान है। तीसरी बात मैं इसमें कहूंगी कि ये हिंदुस्तान में रिच एंड पुअर डिवाइड तो करी जा रही थी, उसके साथ साथ धार्मिक आधार पे डिवीजन की पॉलिटिक्स करी जा रही थी। आप गरीब और गरीब के बीच में, वर्कर और वर्कर के बीच में, ये एक डिवीजन की पॉलिटिक्स खड़ा करने का तरीका है। चौथी बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ, जो दो महीने पहले या छह महीने पहले गया है, जो माइग्रेंट वर्कर है, वो हर महीने नहीं ट्रैवल करता अपनी फैमिली में। कोई छह महीने की प्लानिंग करके आता है, कोई साल की प्लानिंग करके आता है और एक बार वो जाता है, वो बार बार किराया नहीं करता है। तो आप कैसे रोक लेंगे, आप तुरंत कैसे डिसाइड करेंगे कि इस डेट को कोई गया और लॉकडाउन में फंस गया? इसके साथ साथ आधी फैमिली वहां वर्क प्लेस पे रहती है, आधी फैमिली वो पीछे छोड़ के आते हैं और इसलिए उसमें भी वो प्लान करते हैं छह महीने बाद या साल के बाद फैमिली के सदस्य जाएंगे और घर परिवार के बूढ़े को, बुजुर्ग को देख के आएंगे। अगर छत चूने लग गई है तो उसको बना करके आएंगे, बारिश से पहले ये करके आएंगे, नलकूप बंद हो चुका है उसको रिपेयर करा के आएंगे। ये सारे काम वो प्लानिंग करता है वो मजदूर। इसलिए एक प्रवासी है और एक जना प्रवासी नहीं है। इस तरीके का सरकार ने जो फरमान निकाला है, ये तुगलकी फरमान जो वो निकाल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पहले ही लॉकडाउन बिना सोचे समझे किया, उसके बीच में जितनी नीतियां लाए हैं वो स्टूपिड है इनकी, और अब इस तरीके का फरमान करने का मतलब है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना चाहती है। आप उनकी जिम्मेदारी है कि ट्रेनें चलाएं और लोगों को जाने दें, तो जो आधा परिवार यहाँ है, आधा परिवार वहां है, चाहे छह महीने से एक दूसरे से अलग है, वो एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकते हैं? तो आप जबरदस्ती उन लोगों को यहाँ रोकना चाहते हैं ताकि उनको कहा जाए तुम काम करो, और जो गांव जा चुके होंगे उनको कहेंगे अब शहरों में काम नहीं है, तुम में से बहुत से कम लोग आओ। तो ये क्या रोजगार को कम करने की अभी से सरकार के दिमाग के अंदर प्लानिंग है? इसलिए मैं इसमें साजिश की बू देख रही हूँ एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट होने के नाते
समझती हूँ कि सरकार को इस तरीके के निर्णय लेने पे धिक्कार देना चाहिए। जी अमरजीत जी, जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं अभी भी, उनके ऊपर इस फरमान का कैसा असर पड़ेगा? बहुत भयंकर असर पड़ेगा, क्योंकि फंसे हुए केवल वो नहीं है जो पैदल चल पड़े थे और क्वारंटाइन हुए, या ट्रकों में बेचारे चल रहे थे पकड़े गए क्वारंटाइन हुए, या कंक्रीट मिक्सर में बेचारे फंसे हुए मजदूर और क्वारंटाइन हुए, केवल वही नहीं है। स्ट्रैंडेड मजदूर वो भी हैं जो अपनी अपनी जगह पे फंस गए, क्योंकि उनको वापिस भेज दिया गया कि जाइए, ये बॉर्डर हमने सील कर दिए हैं, वापिस जाइए। जैसे हरियाणा के मजदूर दिल्ली के बॉर्डर पे चल के आए थे, के योगी ने कहा है कि 1000 बसें आने वाली हैं और आप जा सकते हो। वो भी परिवार वाले मजदूर हैं, वो भी 6-6 महीने साल साल से काम कर रहे हैं, उनको भी लगा हमें मालूम नहीं 2-3 महीने हमें कब काम मिलेगा, इसलिए वो चल दिए थे। तो वो भी तो परिवारों वाले मजदूर हैं जो 6-6 महीने पहले आए, वो भी स्ट्रैंडेड ही कहलाएंगे। आप ये स्ट्रैंडेड मजदूर कौन सा होगा उसको डिफाइन करने के नाम पे वर्कर्स को आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स में आप आज हमारे मजदूर को भी खींचना चाहेंगे, इससे ज्यादा घिनौनी सोच क्या हो सकती है। इसलिए मैं मोदी सरकार पे सीधे इल्जाम लगाती हूँ कि अपनी असफलता जो लगातार इस लॉकडाउन जिस ढंग से लगाया गया उससे लेके अब तक जो इनको हैंडल करना नहीं आ रहा है, अब लॉकडाउन से बाहर निकलने की स्थिति है, तो अभी भी आप इवेंट मैनेजमेंट में थे, उस पूरे मिलिट्री का इस्तेमाल, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल हमारे इन मजदूरों को फैसिलिटेट करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, जिनके ऊपर फरमान ठोक दिया कि वो पुल पर जाएंगे, जिनको कह दिया कि तुम समुद्री जहाज के ऊपर सिर्फ बत्तियां जला दो और एक हवाई पास लगा दो। हमारी फौजें जिनके ऊपर हमें बड़ा मान और सम्मान है, वो फौजें इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट में और खास करके इस मजदूर की मदद में नीचे उतारी जा सकती हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार सिर्फ तमाशे खड़े करके, नौटंकियां करके देश के लोगों का ध्यान बांटती है, और जो अपने मोदी भक्त हैं उनको कुछ भाषा प्रदान कर देती है कि वो लगे रहें टुकटुकी बजाते रहें। इसलिए ये सरकार बिल्कुल कतई सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, उद्योग के लिए, क्योंकि उद्योगों को भी बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। ये सारा वर्कर ज्यादातर MSME का भी है और मीडियम उद्योग के अलावा थोड़े बड़े उद्योग वाला मजदूर भी है जो फंसा हुआ है। तो लगातार यहाँ पर जो सरकार की नीति है अमरजीत जी, उनसे कहीं ना कहीं जो मजदूर है उनकी परेशानियां लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। गोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। गोपाल, अभी जो नई गाइडलाइंस आई है इसके बाद मजदूरों की समस्या तो बढ़ गई है, क्योंकि जो मजदूर ट्रेन से जा चुके थे वो तो चलो अपने घर पहुंच गए, लेकिन जो रह गए हैं उनके साथ अब क्या होगा? वो तो घर अब नहीं जा पाएंगे, क्या उनके लिए सरकार कुछ और यहाँ पर सुविधा या कुछ सुविधाएं देने के लिए देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं MHA की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में कोई सुविधाएं उनको दी जाएगी या नहीं, लेकिन जो मजदूर यहाँ फंस गए हैं वो हो सकता है कि वो 6 महीने के लिए दिल्ली आए हों और पुनः जा करके खेती के काम करना चाहते थे, इसी प्लानिंग के साथ आए हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं कट रहे हैं, फसल जो है दोबारा उसको बोए जाना है, अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो वो फसल नहीं बो पाएंगे, तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए मुसीबत की यह घड़ी है और उनके लिए सरकार की तरफ से अभी भी किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर सरकार आगे प्लानिंग करती है तब देखना होगा कि किस तरीके की प्लानिंग होती है, लेकिन फिलहाल उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार का जो ये नया गाइडलाइन है वो मुसीबत बन करके आया है। जी।